धन्यवाद सभापति, कोशिश कीजिए 10 मिनट में बात पूरी, कोशिश करूंगा, 1 घंटा चाहिए। धन्यवाद सभापति जी, मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं। पिछले 2.5 दिनों से जो अविश्वास प्रस्ताव पे जो चर्चा हो रही है उसमें विपक्ष केवल और केवल मणिपुर पे उन्होंने बात करी। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि इनके इनके 10 साल और हमारे 9 वर्ष, इनके 10 साल के अंदर घोटालों की लाइन लग गई थी, लेकिन इन्होंने सरकार के एक भी मंत्रालय के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है, सिर्फ मणिपुर की बात करी है। आज ये चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए जो जो मूल जड़ है। ये बार बार मणिपुर की बात करते हैं, ये भी बोलते हैं कि हम वहां पर गए थे कुछ लोगों से मिलने के लिए, एक VIP विजिट इनकी हुई थी, यहां पर एजेंसियों की खबर भी है। और मैं अपने विपक्षियों को यह भी बताना चाहता हूं कि सदन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मणिपुर का एक एक नाला, एक एक पहाड़ी के ऊपर ऑपरेशंस भी करे हुए हैं। मणिपुर की जो जिम्मेदारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पिछले 40 साल से जो हिंसा चल रही है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, ये कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, उसी तरह पंजाब के अंदर भी जो मिलिटेंसी हुई है उसी की भी जिम्मेदारी पूरी की पूरी कांग्रेस के ऊपर है। लेकिन आज चर्चा विश्वास और अविश्वास की हो रही है, तो मैं हरिशंकर परसाई जी की उस पंक्ति से बात कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है, जो इन्होंने दिखाया। आज इसी मूर्खता का अविश्वास इन्होंने दिखाया है मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर। मूर्खता इसलिए भी क्योंकि इन्होंने अविश्वास और अविश्वसनीय में ये अंतर भी नहीं जानते। इनके 60 वर्ष के अंदर जो ये नहीं कर पाए देश के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष में उससे कई गुना विकास करके दिखाया है। मैं सीधे, क्योंकि समय कम है, मैं सीधे आता हूं जो ये बार बार बात करते हैं देश को तोड़ने की, जोड़ने की। इन्होंने एक यात्रा भी निकाली भारत जोड़ो यात्रा करके। मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी। इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई, ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। अगर कोई सैनिक ये कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलता है, ये उस समय सरकार चला रहे थे। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन, गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना के साथ इनके साथ हो रहा था। 2018 के अंदर, 2018 में यही अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस अविश्वास प्रस्ताव के अंदर जैसे इस बार राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला कर यहां पर बात रखी, उसी तरह उस समय भी इन्होंने जोर जोर से कहा कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास के अंदर असुरक्षित है। ये बात बार बार कही कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास में असुरक्षित है। हिंदुस्तान के लिए तो वो लागू नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के लिए वो जरूर लागू हो गया। राजस्थान आज इतिहास में पहली बार असुरक्षित है, अपराधों में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में आज नंबर 1 है। यहां पर खड़े होकर बड़े इमोशनल तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं जा रहा था, मेरी जुबान भी नहीं खुल रही थी, वो महिला आई, उसने ऐसे पूरी रात अपने बच्चे के साथ बिताई। राजस्थान को भूल गए बिल्कुल, वहां से तो यात्रा भी निकाली थी। 14 साल की वो मासूम बच्ची जिसने इस दुनिया को भी नहीं देखा था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिंदा को काटा गया, उसको भट्टी में, कोयले की भट्टी में डाला गया, लेकिन इनकी तरफ से एक ट्वीट नहीं, एक कोई शब्द नहीं। ये शर्म आनी चाहिए इनको। डूंगरपुर कम नहीं है, डूंगरपुर के अंदर एक नवी क्लास की शिक्षक के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म करा, लेकिन इनके वो जू भी नहीं रखती। करौली के अंदर एक 21 साल की लड़की, आप बात करते हैं अगर इमोशन, अगर आप किसी के पिता है तो इस बात को समझिए, 21 साल की लड़की को पहले अगवा करा गया। और यहां पर आप ही की सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर तो अपराध ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम FIR तुरंत दर्ज करा देते हैं। वो भी झूठ है, क्योंकि जब उसको अगवा करा गया उसके माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन गए कि हमारी बेटी को बचा लो, कोई FIR नहीं हुई, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया। अगले दिन उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गोली मारी गई, और गोली से नहीं मरी तो उसके ऊपर एसिड फेंका गया, एसिड से नहीं मरी तो उसको कुएं में डाला गया। शर्म आनी चाहिए इनको।
यहां पर इनकी यहां पर बात खत्म नहीं होती, यहां बात खत्म नहीं होती। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, इनके पार्टी के ये इतनी जो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि ढोंग रच रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये जितने भी रेप विक्टिम्स हैं आधे तो झूठ हैं, ये इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। और बोलते हैं बाकी आधे जो हैं वो उनके रिश्तेदारों ने कराए, यानी पीड़िता के ऊपर एक और आरोप लगा दो झूठ बोलने का। यही नहीं, इनके मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर ये बोलते हैं कि हाँ राजस्थान रेप्स में नंबर वन है, और फिर मुड़के बोलते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और उसमें उनके विधायक ठहा के लगा के हंसते हैं। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये 17 बलात्कार हर रोज राजस्थान के अंदर होते हैं, 7 हत्याएं हर रोज होती हैं। आप कहां मणिपुर की बात कर रहे हैं? आप ही के मंत्री ने वहां सदन में खड़े होकर यह बोला कि मणिपुर की तरफ नहीं, अपने गरेबान में झांकिए। उसका मंत्री पद छीन लिया गया, उसको वहां सदन में मारा गया। ये इनकी असलियत है कांग्रेस की। ये इनके आपको असलियत बताता हूं कांग्रेस की असलियत, और ये आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इनके विधायकों के बेटे, विधायकों के भतीजे, विधायकों के पीए, उनके ऊपर दुष्कर्म की FIR हो रखी है। ये है असलियत इनकी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गर्भवती महिलाओं के ऊपर ये जो पैसे बनाते हैं वो इससे ही अपनी जेब भराई कर रहे हैं। तुष्टिकरण का उदाहरण तो राजस्थान के अंदर इतना भद्दा हो रहा है, शायद ही किसी भी प्रदेश, भारत के किसी भी प्रदेश में हो रहा हो। ये 4 साल के अंदर 10 पुजारियों की हत्या हुई है। धार्मिक स्थल बचाने के लिए संतों ने अपना आत्मदाह कराया। राजस्थान के अंदर 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। सालासर के अंदर दरबार का बुलडोजर चलता है, उसको तोड़ा जाता है। ये है इनका तुष्टिकरण एक खास समुदाय के लिए। इनकी सरकार वहां पर एक आदेश पारित करती है, सुनिए, एक आदेश पारित करती है इनकी राज्य सरकार कि एक खास समुदाय के लिए बिजली कटौती नहीं होगी क्योंकि उनका एक त्योहार है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी समय वहां पर हिंदुओं का भी त्योहार था, रामनवमी मनाई जा रही थी, उस पे DJs के ऊपर बैन लगाए गए, पोस्टर्स के ऊपर बैन लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। और यही नहीं, भजन कौन से बजेंगे उसकी अनुमति भी कांग्रेस देगी। ये असलियत है कांग्रेस की तुष्टिकरण की। उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या हुई, न जाने कितने कन्हैया मारे गए हैं, वो तो उनका वीडियो नहीं बना। ये है असलियत राजस्थान की, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है वहां पर, सभापति जी, ऐसा माहौल बना दिया है कि एक खास समुदाय के लोग पुलिस थाने के अंदर खड़े होकर वो खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं, लेकिन इनकी सरकार कुछ नहीं करती। PFI बैंड है, यहां पर गृह मंत्री जी ने कल बताया PFI पूरे राष्ट्र के अंदर बैंड है, लेकिन PFI राजस्थान के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मार्च करती है। यह है असलियत इनके चेहरे। कहीं ना कहीं इन बाहर की कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई संगठन, बाहर की कोई ना कोई एजेंसी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है। मैं तो वापस उसी पे जाता हूं, क्या MOU हुआ था उस समय चाइना के साथ जो आज तक भारत को नहीं पता। कहीं ना कहीं इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए सुपारी उठाई हुई है, भारत को ये तोड़ना चाहते हैं हर तरह से। राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पिछले 4 साल के अंदर 60% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। बीकानेर के अंदर दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जालौर जिले के अंदर एक 9 साल के दलित लड़के को मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने गया था। जम्वा रामगढ़ मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर एक महिला टीचर, मतलब टीचर तक को भी नहीं छोड़ा, एक महिला टीचर को जिंदा जलाया गया वहां पर। ये दलितों के ऊपर अत्याचार ये कर रहे हैं, इन्होंने हर तरह से धोखा दिया है। मैं घोषणा पत्र पर आता हूं, इन्होंने घोषणा पत्र में भी धोखा दिया है। ये तो अविश्वास लायक भी नहीं है, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार के खिलाफ लाए हैं, लेकिन पर ये अविश्वास लायक भी नहीं है, इन्होंने राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। ये है असलियत इनकी। घोषणा पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम हस्तशिल्प कला और हथकरघा निदेशालय का गठन करेंगे, नहीं करा। यहाँ पत्रकार बैठे हैं, राजस्थान के पत्रकारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लेकर आएंगे, 4.5 साल हो गए, एक भी अधिनियम नहीं आया। इन्होंने हर तरह से राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है।
और अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लेकर आए? एक ऐसी पार्टी जिसने जो कहा वो करा, एक ऐसी पार्टी जिसने बोला धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया, हमने बोला राम मंदिर बनाएंगे तो हमने बनाया, हमने बोला आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमने दिया। हर तरह से उस सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं, अगली बार यह घोषणा पत्र दें तो उसमें एक स्टार लगाएं, वो स्टार लगा के बोले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले। मैं अभी खत्म करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं ये कहकर कि जब जीत न सके बाजी वे हाथ मलने लगे, जब जीत न सके बाजी वो हाथ मलने लगे, आसमां सी ऊंचाई, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के लिए बोल रहा हूं, आसमां सी ऊंचाई देख वो जलने लगे। अभी तो बहुत कुछ तमन्ना है 56 इंच के सीने में। अरे रुकिए, बैठिए, अभी से आपस में क्यों लड़ने लगे? ये इनके असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद।